स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हां एक बार फिर से शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े हैं और 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, संजय राउत ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 2024 के लिए विपक्ष के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। जी हां, आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार संजय राउत पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और जिसको लेकर अब बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिवसेना के आखिर बार बार रुख में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, इसके संकेत को किस तरीके से देखा जाए। जहां एक बार फिर से 2024 की सरगर्मी को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें एक बार फिर से संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर विपक्षियों को सदमे में ला दिया है। जी हां, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब जिस तरीके से 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस तरीके से घेरा जाए, किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराया जाए, इसको लेकर तमाम तरह की साजिशें और षड्यंत्र तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर बनाने की कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में संजय राउत का साफ तौर पर जो बड़ा बयान सामने आया है, इसको लेकर अब कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जहां दरअसल आपको बताते चले कि 2024 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति प्रशांत किशोर तमाम नेताओं से मुलाकात कर बना रहे हैं, लेकिन एक और जहां पर तमाम तरह के नेता कैसे बीजेपी को घेरा जाए इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही, तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरी ओर शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करके सबको अचंभित कर दिया है। एक बार फिर से संजय राउत ने साफ तौर पर यह कहा है, स्वीकार करते हुए कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जो कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। जी हां, उन्होंने कहा कि बिना चेहरे के विपक्ष के पास कोई संभावना नहीं है। संजय राउत इससे पहले भी कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और अब जिस तरीके से 2024 को लेकर जो बड़ा बयान संजय राउत ने दिया है, यह साफ तौर पर इशारा करता है कि जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी नेता जो तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो पूरी तरीके से विफल साबित होने वाली है, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस से लेकर मायावती से लेकर ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को हराने की जो कोशिश करने में लगे हुए हैं, इसका हालांकि हर एक अलग अलग राज्यों में परिणाम साफ तौर पर देखा गया है कि कैसे बीजेपी के नेतृत्व में जो एक के बाद एक बड़े काम किए गए हैं और इसी का डर लगातार इन विपक्षी नेताओं को सता रहा है, जिसके चलते लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने के लिए एक के बाद एक बड़ी साजिशें की जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से विपक्षी नेता भी साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद होते दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी नेताओं में घबराहट का माहौल है। उनके अंदर अब जो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लगातार बढ़ रहे सीटों के आंकड़ों को देखते हुए उनके अंदर डर सता रहा है कि अब किसी भी वक्त हो सकता है कि पूरे संपूर्ण भारत में बीजेपी का कब्जा हो जाए। दरअसल यही बड़ी वजह है कि प्रशांत किशोर इसके पहले बंगाल में भी हमने देखा था कि कैसे जब चुनावी रणनीतियां ममता बनर्जी के साथ मिलकर बनाई जा रही थी, तो किस तरीके से प्रशांत किशोर भी ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि बंगाल में अब तक जिस तरीके से कम्युनिस्टों ने वामपंथियों ने जो तमाम जनता का जो हाल किया है, ये बड़ी वजह है कि बंगाल की जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है और इसीलिए प्रशांत किशोर ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देना मुश्किल है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार विपक्षी नेताओं में ये डर बना हुआ है कि अगर अब आगामी लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती है तो विपक्ष जो लगातार अभी तमाम तरह का हो हल्ला करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरीके से पिछड़ जाएगा। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से अपना अस्तित्व खो चुकी है और उसी कड़ी में अब जो लगातार ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा और इसीलिए प्रशांत किशोर लगातार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी से मुलाकात की जा रही, तो कभी तमाम विपक्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद आपको बता दे कि पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति बनाई जा रही। लेकिन आपको बता दे कि इसी बीच जिस तरीके से अब शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, ये बयान का
काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना लगातार बीजेपी में तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे किसी जमाने में शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में कैसे शिवसेना ने अपने सिद्धांतों को भूलते हुए अपने विरोधियों के साथ हाथ मिलाया था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से संजय राउत को अपनी पुरानी यारी याद आ रही है और हर एक बार नए नए तरीकों से नए नए बहानों से वो बीजेपी की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से उनकी बीजेपी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आ जाता तब तक कोई चांस नहीं है। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसद ने यह भी साफ तौर पर हालांकि कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे सही उम्मीदवार होंगे। संजय राउत ने कहा कि 2024 में बिना किसी बड़े चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा और इसीलिए शरद पवार इसके लिए सही विकल्प है। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि मोदी जी एक बड़ा चेहरा है और बहुत अहम चेहरा है, क्योंकि दूसरी लहर जो आई है उसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता हालांकि थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन वो मोदी हैं और आज भी प्रधानमंत्री मोदी हैं और वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। जी हाँ, और इसके अलावा आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लेते हुए संजय राउत नजर आए हैं। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई नेता है जो कांग्रेस का मार्गदर्शक कर सके और कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर संजय राउत ने सारी बातें कही हैं, जिसमें एक बार फिर से अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी कर साफ तौर पर जता दिया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और रही बड़ी वजह कभी नाना पटोले से लेकर शरद पवार से लेकर तमाम महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रीगण नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और कभी संजय राउत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, कांग्रेस में लीडर की कमी है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी एक बड़े कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनसे भी बड़े नेता अभी मौजूद हैं। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस में भी लीडरशिप को लेकर संकट मचा हुआ है और इसीलिए अभी तक पार्टी का प्रेसिडेंट तक नहीं चुना गया है। तो साफ तौर पर आपको बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक के बाद एक तमाम गतिविधियां सामने आई थी और किस तरीके से हर एक खबर पर हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एंटोनिया केस से लेकर कैसे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बार बार झूठ बोलते हुए दिखाई पड़े थे और किस तरीके से वसूली मामले को लेकर तमाम कांग्रेस से लेकर एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं ने किस तरीके से दलीली उस दौरान दी थी हम सबने देखा था, लेकिन अब जब बात कुर्सी की आती है, अब जब बात सत्ता की आ रही है, तो देखिए किस तरीके से लगातार तमाम नेताओं के सुर अलग अलग बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर इशारा करते हैं कि आगामी समय में पर चाहे वो महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव हो पर चाहे वो आगामी लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, आपको बता दें कि इन तमाम विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इनकी नीतियों में जिस तरीके से खोट बार बार सामने आ रहा है ये बड़ी वजह है कि देश की जनता लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पसंद कर रही है और बीजेपी की ओर से लगातार जो एक के बाद एक विकास को लेकर काम किए जा रहे हैं उसकी सराहना देश नहीं बल्कि दुनिया में भी की जा रही है और अब यही बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना के संजय राउत भी एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीने पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक नया राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो पूरे देश में राजनीतिक घटनाक्रम बना हुआ है, कैसे अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको साधने की कोशिश हालांकि लगातार तमाम पार्टियां कर रही हैं और अब जब सबकी नजर 2024 में टिकी हुई कि किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से ना सरकार में लाकर खड़ा कर दे और यही बड़ी वजह है कि लगातार प्रशांत किशोर तमाम तरह की एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से इन तमाम विपक्षी नेताओं की अलग अलग मतभेद की तस्वीरें लगातार सामने
सामने आती रही हैं, अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह के जो बयान सामने आते रहे हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, और जिसका खामियाजा साफ तौर पर इन तमाम विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार इन विपक्षों की ओर से तमाम तरह की बयानबाजी सामने आती है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर हालांकि विपक्ष घबराहट में है, जिसको लेकर बयानबाजी में साफ तौर पर उनकी असलियत सामने आ रही है कि कैसे विपक्षी नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर घबराहट है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्ष के नेता कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 2024 के लिए विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई भी बड़ा नेता या चेहरा नहीं है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।